CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। पृष्ठ संख्या 43, पाठ 7, साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें, साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। कवि साहिर लुधियानवी। पृष्ठ संख्या 44। प्रश्न अभ्यास, गीत से। एक, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? दो, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है? लिखो। तीन, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? गीत से आगे। एक, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों? इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोजकर लिखो। दो, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, कक्षा, मोहल्ले और गांव या शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे? तीन, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? चार, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, क, तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? ख, पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं? ग, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? पांच, यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ कि यह गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है। यदि तुमने फिल्म नहीं देखी है तो फिल्म देखो और बताओ। पृष्ठ संख्या 45। कहावतों की दुनिया। एक, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। क, यहां दी गई कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है? ख, इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। दो, यहां हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। क, हाथ को हाथ न सूझना। ख, हाथ साफ करना। ग, हाथ पैर फूलना। घ, हाथों हाथ लेना। ङ्य, हाथ लगना। पृष्ठ संख्या 46। भाषा की बात। एक, हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं। यहां दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को सुनकर बताओ कि हाथों का इनमें क्या काम है। हाथ घड़ी, हथौड़ा, हस्तशिल्प, हस्तक्षेप, निहत्था, हथकंडा, हस्ताक्षर, हथकरघा। दो, इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसान जैसे शब्दों के प्रयोग हुए हैं, इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखो। तीन, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना,
इस वाक्य को गीतकार इस प्रकार कहना चाहता है, तुमने कल गैरों की खातिर मेहनत की, आज तुम अपनी खातिर करना। इस वाक्य में तुम करता है जो गीत की पंक्ति में छंद बनाए रखने के लिए हटा दिया गया है। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द अपने का प्रयोग करता तुम के लिए हो रहा है, इसलिए यह सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जो अपने आप के बारे में बताएं निज वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज का अर्थ अपना होता है। निजवाचक सर्वनाम के तीन प्रकार होते हैं जो यहां दिए गए वाक्यों में रेखांकित हैं। मैं अपने आप या आप घर चली जाऊंगी। रेखांकित शब्द मैं अपने आप। बब्बन अपना काम खुद करता है। रेखांकित शब्द अपना। सुधा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। रेखांकित शब्द अपने लिए। अब तुम भी निजवाचक सर्वनाम के यहां दिए गए रूपों का वाक्य में प्रयोग करो। अपने को, अपने से, अपना, अपने पर, अपने लिए, आपस में। कुछ करने को। बातचीत करते समय हमारी बातें हाथ की हरकत से प्रभावशाली होकर दूसरे तक पहुंचती हैं। हाथ की हरकत से या हाथ के इशारे से भी कुछ कहा जा सकता है। यहां लिखे हाथ के इशारे किन अवसरों पर प्रयोग होते हैं, लिखो। क्यों पूछते हाथ, मना करते हाथ, समझाते हाथ, बुलाते हाथ, आरोप लगाते हाथ, चेतावनी देते हाथ, जोश दिखाते हाथ। पाठ समाप्त। पृष्ठ संख्या 47। केवल पढ़ने के लिए एक दौड़ ऐसी भी। कई साल पहले ओलंपिक खेलों के दौरान एक विशेष दौड़ होने जा रही थी। 100 मीटर की इस दौड़ में एक गजब की घटना हुई। 9 प्रतिभागी शुरुआत की रेखा पर तैयार खड़े थे। उन सभी को कोई न कोई शारीरिक विकलांगता थी। सीटी बजी, सभी दौड़ पड़े। बहुत तेज तो नहीं, पर उनमें जीतने की होड़ जरूर तेज थी। सभी जीतने की उत्सुकता के साथ आगे बढ़े। सभी, बस एक छोटे से लड़के को छोड़कर। तभी एक छोटा लड़का ठोकर खाकर लड़खड़ाया, गिरा और रो पड़ा। पृष्ठ संख्या 48। उसकी आवाज सुनकर बाकी प्रतिभागी दौड़ना छोड़ देखने लगे कि क्या हुआ। फिर एक एक करके वे सब उस बच्चे की मदद के लिए उसके पास आने लगे। सब के सब लौट आए, उसे दोबारा खड़ा किया, उसके आंसू पोंछे, धूल साफ की। वह छोटा लड़का ऐसी बीमारी से ग्रस्त था जिसमें शरीर के अंगों की बढ़त धीमे होती है और उनमें तालमेल की कमी भी रहती है। इस बीमारी को डाउन सिंड्रोम कहते हैं। लड़के की दशा देखकर एक बच्ची ने उसे अपने गले से लगा लिया और प्यार से चूम लिया, यह कहते हुए कि इससे उसे अच्छा लगेगा। फिर तो सारे बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साथ मिलकर दौड़ लगाई और सब के सब अंतिम रेखा तक एक साथ पहुंच गए। दर्शक मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे इस सवाल के साथ कि सब के सब एक साथ बाजी जीत चुके हैं। इनमें से किसी एक को स्वर्ण पदक कैसे दिया जा सकता है? निर्णायकों ने भी सबको स्वर्ण पदक देकर समस्या का शानदार हल ढूंढ निकाला। सब के सब एक साथ विजयी इसलिए हुए कि उस दिन दोस्ती का अनोखा दृश्य देख दर्शकों की तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं। अभी आप सुन रहे थे ये पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।